नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज। स्वागत है आपका एनसीआर टाइम्स में। रो करेंगे फरीदाबाद और परवल की तमाम खबरों की ओर। फरीदाबाद में काम करते हुए जोरदार धमाके का एक वीडियो फेसबुक पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, जिसमें एक बिजली कर्मचारी पैनल में काम करता दिखाई दे रहा है कि तभी पैनल में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कर्मचारी पूरी तरह से झुलस जाता है, या यूँ कहें कि बिजली कर्मचारी का सीधे मौत से सामना होता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। वायरल हो रहा है ये वीडियो फरीदाबाद के FCI 66 KV ग्रिड सब स्टेशन का है और अभी 4-5 दिन ही पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल कर्मचारी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस मामले में हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव से बात की तो उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है यह कर्मचारी हरीश SA है, जो पैनल पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हरीश पैनल में MCB लगा रहा था कि तभी उसमें फॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से बड़ा धमाका हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको 4 दिन के इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। सुभाष लांबा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 2008 से लेकर अब तक ऐसी घटनाओं से करीब 250 कैजुअल कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। ये घायल कर्मचारी भी कॉन्ट्रैक्ट पर था और ऐसे हादसों में यदि घायलों की बात की जाए तो उनकी संख्या इनसे भी बड़ी है। कुछ लोग तो अपाहिज तक हो चुके हैं। इन घटनाओं के पीछे कर्मचारियों के पास उपकरण और स्टाफ की भारी कमी और जल्दबाजी है। ये 4 रोज पहले हमारा हरीश जो SA है, उसकी घटना ये जो स्टेशन है उसकी घटना है, और जैसे ही वो MCB लगा रहा फॉल्ट की वजह से उसमें बड़ा ब्लास्ट हो गया जी, और उसका चेहरा और हाथ जो पूरी तरीके से झुलस गए। उसको फौरी तौर से PSI हॉस्पिटल में लेकर के गए और वहाँ उसका 4 हॉस्पिटलाइज हो रहा। तो इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार से 2008 से लेकर के अब तक करीब 250 कर्मचारी हमारे मौत के मुँह में चले गए। तो कैजुअल रहे या पक्के भी शामिल थे? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये कॉन्ट्रैक्ट की संख्या है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट की संख्या, केवल कॉन्ट्रैक्ट पे। और ये जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब 250 के करीब तो वो हैं जो मौत के मुँह में चले गए। फेटल एक्सीडेंट हो गया, नॉन फेटल एक्सीडेंट की संख्या तो इससे कहीं ज़्यादा है। मतलब जो झुलस गए हैं, चोट लग गई है, हाथ कट गया है, पैर कट रहा है, रीढ़ की हड्डी टूट रही है, इस तरीके के बहुत सारे केस। इतनी बड़ी मौत है, इतने बड़े हादसे, आपके वजह क्या होती है इनकी? वजह ये है कि विभाग का सेफ्टी के ऊपर कतई जोर नहीं है। दूसरा ये है, स्टाफ की भारी कमी है जी। लोगों को बिजली चाहिए, वो कैसे बिजली मिलेगी उनमें उस बात से कोई मतलब नहीं।